हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह इंस्टाग्राम अपने अकाउंट पर रियल वेरिफिकेशन बैज मतलब ब्लू टिक ला सकते हैं। ये बिल्कुल एक रियल और जेन्युइन तरीका है। आपको यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियो जिन्होंने बताया हुआ है आपको किस तरह ब्लू टिक लेना है। टैग वगैरह वो सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज आपको एक रियल बताने जा रहा हूँ आपको कैसे ब्लू टिक मिलता है। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आपको वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए विदाउट एनी स्किप, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कैसे क्या करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिजी वर्ल्ड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाना है। क्योंकि मैं यहाँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ चुका, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। डायरेक्ट आपको ऊपर आपको ये थ्री लाइन्स दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो ये अकाउंट में, अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो ये आपको अकाउंट में सेकेंड लास्ट में मिल जाएगा। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो ये आपको फोर्थ लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर बिजनेस अकाउंट मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। यही एक तरीका है जिससे कि आप ब्लू टिक ला सकते हैं अपने अकाउंट पर। तो आपको इस पर नॉर्मली क्लिक अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, यहाँ आपका यूज़र नेम एज इट इज रहेगा, फुल नेम जो है आपका वो डाल देना है। इसमें यहाँ पर डाल रहा हूँ केशव झा नोन एज केशव। कैटेगरी आपको यहाँ पर सेट कर, न्यूज़ मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, फैशन, इंटरनेट, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस, ब्रांड, वगैरह। तो यहाँ पे ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ आपको कोई भी अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आईडी कार्ड चूज़ कर लिया और उसका आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपका वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। इसका जो आपको कंफर्मेशन डिसअप्रूव या अप्रूव एक से डेढ़ हफ्ते में आ जाता है, या फिर आपको ये तीन चार दिन में भी हो जाता है नॉर्मली। तो वेरिफिकेशन का जो होता है इसलिए, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है उसके बहुत सारे, जब उससे कोई सेलिब्रिटी अकाउंट में आता है इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर या कोई भी होता है सोशल साइट्स, तो वहाँ पर उसके बहुत सारे फेक अकाउंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उनके भी फॉलोवर गेन करने के, फेक अकाउंट होते हैं वहाँ भी फॉलोवर इंक्रीज होने लगते हैं लाखों के। तो इसके लिए ब्लू टिक एक ऐसे तरीके से कि हम पता रहता है कौन सा अकाउंट रियल है और कौन सा अकाउंट फेक है। अगर कोई रियल अकाउंट है सेलिब्रिटी का तो उस पर हमेशा ब्लू टिक होता है। ब्लू टिक की ये कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें आपके इतने फॉलोवर या कुछ होना चाहिए। यहाँ चाहे आपके 400-500 फॉलोवर हैं तो भी आपको ब्लू टिक मिल जाता है। अभी मैं आपको बताऊँगा इस ब्लू टिक का फ़ायदा क्या है। जैसे कि आपको पता होगा अभी RCB गर्ल एक वायरल हुई थी, इसका नाम था दिघोष दीपिका। तो अभी मैं उसका यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ दिघोष। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फेक अकाउंट उसके बन चुके हैं, बट उसका जो रियल अकाउंट है वो सिर्फ एक ही है जिस पर आपको यहाँ पर ब्लू टिक मिलता है। तो इस ब्लू टिक से आपको बस यही पता लगता है कि कौन रियल है सेलिब्रिटी या फिर कौन फेक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गया होगा कैसे क्या करना है। सो अभी तक आप लोग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।